विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में 71वीं लड़कों की 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में हमीरपुर तथा सुजानपुर जोन के 23 स्कूलों के 381 बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में 71वीं लड़कों की 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में हमीरपुर तथा सुजानपुर जोन के 23 स्कूलों के 381 बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में बच्चों को खेल भावना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खेलों में जहां शरीर बलवान बनता है, वहीं बुद्धि का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी नशे से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी पाने 3% स्पोर्ट्स कोटा तय किया गया है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विधायक नरेंद्र ठाकुर ने अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपए बच्चों को दिए। उन्होंने स्कूल की 4 दीवारी बनाने की मांग पर इसका प्राकलन तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी से जल्दी पैसे स्वीकृत करवा दिए जाएंगे। स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य आदर्श बाला ने विधायक नरेंद्र ठाकुर का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ADPO राजेंद्र शर्मा ने स्कूलों में करवाई जा रही खेल प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समारोह में भाजपा मंडल महामंत्री हरीश शर्मा, अमरोह ग्राम पंचायत के प्रधान बबली देवी, उप प्रधान कुलभूषण, SMC प्रधान संजीव कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रतन चंद, मुख्य अध्यापिका मजोग सुल्तानी, सुमन पटियाल, बलदेव रांगड़ा, सुमन बनियाल, डॉक्टर रघुवीर सिंह, समन्वयक सुनील कपिल, सहायक समन्वयक सुरेश ठाकुर और संजीव शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।